अच्छे दिव्य मंगल स्वरूप को ही देखें
देवताओं के हित के लिए, देवताओं की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए, प्रीति के लिए हमारे जीवन व्यतीत हो। ये नहीं कि हम 100 साल ही जीना है, 100 साल जिएंगे तो ये कोई मुख्य बात नहीं है। 100 साल जिया, 50 साल जिया, ये मुख्य बात नहीं है। जब तक जीते हैं तब तक आपके अपने जीवन से अपना उद्धार करते हैं कि नहीं, दूसरों के उद्धार के लिए कोई सोचते ही नहीं, परोपकार सोचते ही नहीं। हमारे जीवन से ऋषि मुनियों, तय माता पिता और देवताओं के खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, ये मुख्य बात। इसलिए शतम जीव शरदत शतम ये बोलते हैं, उसी प्रकार ईशावासु उपनिषद में बात आती है, कुर्वन में वे कर्माणि जिजि विषय चलकम समाह। तेरी जीने की इच्छा है तो कर्म करना पड़ेगा। जीने की इच्छा यदि है प्रश्न भी आ जाएंगे, तो जीने की इच्छा हो तभी प्रश्न आए। इस उपनिषद का नाम है प्रश्नोपनिषद, प्रश्न प्रश्न इच्छायाम। तो ये जब प्रश्न उत्पन्न हुआ है इसका मतलब इसके पीछे इच्छा है, इसके इच्छा के पीछे संकल्प है। इसीलिए ये उपनिषद प्रश्नोपनिषद कहा है, प्रश्नोपनिषद। जैसे ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ मंत्र में ईशावास्य लिखो सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्येन तत्त्वेन भंगीकारः मा बृहत्तस्य सिद्धं, ये प्रथम मंत्र है। प्रथम पाद, प्रथम पद जो है पद ईशावास्य, इस पद को लेकर के ईशावास्य उपनिषद नाम पड़ा। उसी प्रकार दूसरा जो है केन जितम पद प्रेषितम न इत्यादि मंत्र है, वो प्रथम पद के अनुसार केन उपनिषद पड़ा। तो इस उपनिषद का नाम भी प्रश्नोपनिषद जो आया तो प्रथम मंत्र क्या है सुकेशाच भारद्वाज इत्यादि, तो ये प्रथम पद के अनुसार इस उपनिषद का नाम नहीं हुआ। क्यों? इस उपनिषद में 6 महापुरुष ऋषि वो ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म माने ब्रह्म शक्ति का एक अर्थ होते हैं, ब्रह्म माने वेद भी है, ब्रह्म माने ब्राह्मण भी है, ब्रह्म माने अपर ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी है, हिरण्यगर्भ भी है। तो यहाँ ये जो 6 ऋषि ब्रह्मनिष्ठ है, महाशाल है, मैंने खूब अनुदान करते थे, गुरुकुल चलाते थे, तो इनके मन में एक इच्छा हुई पर ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई। अगर हम कर्मकांड में डूबे रहे हम इससे पर इसे परे जो पर ब्रह्म तत्व है उसको हम किससे जान सकते हैं, ऐसे महापुरुष कौन हैं जिनके पास जाने के बाद हमारी जिज्ञासा निवृत्त होगी, उसका समाधान मिलेगा। इस दृष्टि से, इस प्रश्न प्राधान्यता की दृष्टि से इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। देखिए भद्रं करणे विश्वर्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षरे यत्रा स्थिरेण गस्तृष्टवा अनुसृष्टं विद्वशेम देवहितं निरायो। और दूसरी बात एक बात है कि भगवान की स्तुति करते समय शिथिल अंगों से नहीं करना चाहिए, स्थिरेण गस्तृष्टवा दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। जैसे व्याकरण आता है अपह विसर्जनीयानां कंठः इच्छेशानां ताल विदुषाणां मधर इत्यादि, जिस अक्षर का जो स्थान होगा, जो बाह्य प्रयत्न होगा, जो आंतरिक प्रयत्न होगा, उसी स्थान में उस अक्षर का उच्चारण होगा तो स्पष्ट होगा। स्पष्ट उच्चारण एक शब्द भी बोलेंगे उसका अर्थ का चिंतन सफल होगा, जो भी शास्त्र में कथित है वो फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक शब्द सुष्ट प्रयुक्त त्रिविध ताप शांति है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक शांति के लिए। सुकेशाच भारद्वाज सत्य ये सामान्य छोटे मोटे बच्चे नहीं थे, ये ब्रह्मचारी नहीं थे, ये भी पढ़ते पढ़ाते थे, गुरुकुल चलाते थे, ऐसे महापुरुष थे
जो वास्तविकता को जानने के लिए विनयवान होना पड़ता है, वो वास्तविकता वही जान सकता है जो विनयवान हो। जो सह विद्या जो पढ़ता है वो विनयवान होता है, विद्या तदाति विनयम। इसलिए इतने बड़े बड़े होने के बावजूद वो विनयवान होकर गए कि सब चले गए पहुंचने परब्रह्म के बारे में। परब्रह्म अन्वेषमाणा तो कौन है ये? कहते हैं सुकेशा, एक ऋषि का नाम ही सुकेशा। शायद उनके केश बहुत अच्छे दिखाई देते होंगे तो उनका नाम है। और भारद्वाजः क्षेत्रश्च सत्यकामः सौर्याणी निगार्ग्यः कौसल्यश्च अश्वायनो भार्गव वैदर्भिः। तो इसके बारे में बताते हैं, सुकेशा माने भारद्वाज का पुत्र है, सत्यकाम शिवी का पुत्र, गार्ग जो है सूर्य का पौत्र पड़पोता और गर्भ होते उत्पन्न है, कौशल्य है अश्वर का पुत्र, वैदर्भी माने भृगु गोत्र में उत्पन्न विदर्भ देश में रहने वाला, और कबंधी एक कत्य का प्रपौत्र है। प्रपौत्र का मतलब होता है कि जैसे बेटे का बेटा वो तो पोता पोते, बेटे का जो बेटा होता है पोता होता है, उस पोते का भी जो बेटा होता है वो पड़पोता बोलते हैं हिंदी में। इस प्रकार वो जो कत्य ऋषि का प्रपौत्र है कबंधी, तो ये सब गए उनके पास। तो ये सब पहले से ही पढ़े लिखे सब पढ़ाते हैं। तो जिनके पास हम ज्ञान के लिए जाते हैं वो जैसे नियम बताते हैं उस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। तो कहते हैं कि वो जो विप्रलाद ऋषि ने कहा, आप लोग मेरे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसीलिए आप लोगों को यहाँ भी एक साल तक रह करके सेवा क्यों? इससे पता चलता है कि ये कितना उद्दंड है या विनयवान है, इसमें दम है कि नहीं, शम है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, ज्ञान के योग्य अधिकारी है कि नहीं। तो कहते हैं ये जो ज्ञान की योग्यता क्या है, ये वेदांत में संपत्ति चाहिए। संपत्ति कौन सी संपत्ति? ये बाह्य संपत्ति नहीं। एक तो नित्यानित्य वस्तु समाधिशक्ति संपत्ति, ये साधन चतुष्टय संपत्ति है। ये संपत्ति जिसके पास है वही व्यक्ति वेदांत श्रवण कर सकता है, उसका चिंतन कर सकता है, उससे अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, वास्तविक तत्व को अनात्म तत्व को जान सकता है। इसीलिए इससे यह भी मालूम हुआ कि जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ज्ञानी के पास जाना चाहिए। तद्विज्ञानार्थम सगुरमेव अवगच्छे समीपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। खाली हाथों से नहीं जाना चाहिए। इसलिए समित ग्रहण उपहार उपलक्षणार्थम ऐसे भी भगवान बोलते हैं। उपलक्षण है समित माने सूखी लकड़ी लेकर के जाओ, ऐसे वो तो वो पूरा पूर्व काल में जो है सूखी लकड़ी से वो क्या है वो हाँ यज्ञ करते थे ऋषि मुनि। तो उपहार ले जाना चाहिए खाली हाथ से, खाली हाथ से गुरु जी के पास, राजा के पास, और गर्भिणी स्त्री जिस घर में हो वहां, बच्चे जहां हुआ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सब नियम है, ये सब जानते हैं, इसलिए बात गए थे। तो भाष्कर भगवान बोलते हैं यदि आपको ज्ञान जिज्ञासा है ऐसे योग्य व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए, इससे ये ज्ञात होता है। पिपला के लिए सर्वज्ञ कल्प जो होगा उनके पास जाएं, ये भाष्कर भगवान का ये कहना है। तो उस प्रकार एक साल तक उन्होंने ये छह ऋषियों ने उनके आश्रम में रह करके शम दम इत्यादि शांति से रहे। रहने के बाद एक साल रहिए, रहने के बाद यदि आप लोग पूछने का जो भी होगा मतलब प्रश्न होगा उस प्रश्नों का समाधान यदि मैं जानता हूं तो जरूर बताऊंगा। तो इस विषय के ऊपर भगवान भाष्कर लिखते हैं यदि क्यों कहा, माने ये नहीं जानते हैं शायद, एक साल तक रहे सेवा किए वो नहीं जान पाए तो इसका मतलब व्यर्थ हो जाएगा एक साल। कहते हैं यदि ये जो शब्द है ये विनय का को प्रकट करने के लिए है, अहंकार नहीं है, इनमें अहंकार नहीं है, ये बताने के लिए यदि शब्द है। ये नहीं जानते ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आगे जो है
का जो समाधान है, उत्तर है, उसके उससे मालूम होता है ये ज्ञान करा है। वो दंड नहीं होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ मैं बता दूंगा, तुम कहीं मत जाओ, ऐसे बोलते हैं, सब मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा, कहीं मत जाओ, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो स्थान है, ये तो दत्तात्रेय भगवान की जो परंपरा का है ना, तेरह साल में दत्तात्रेय भगवान की कितने गुरु जी हो गए, 24 गुरु हो गए, 24। उस प्रकार कहीं से भी महाभ्यश्च बहुभ्यश्च शास्त्रेभ्यो महिमानः सर्वतः सारमारभ्य पुष्पेभ्यो, पुष्पों से जैसे मकरंद को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मधुमक्खी, उसी प्रकार जो विवेकी व्यक्ति है, हर व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये सारांश है। इसीलिए तो ग्रहण करना चाहिए ज्ञान। तो ये बताते हैं, एक साल के बाद ये जो क्रम में छह ऋषियों के क्रम में जो नाम गिनाए गए, उसमें अंतिम जो नाम है कत्य ऋषि के प्रभाव, जो कबंधी, एक कबंधी आकर के पूछे, तो क्या पूछने लगे, इनकी ये इच्छा थी कि ये प्रजा कैसे उत्पन्न। और एक बार याद रखिएगा, ये वेदांत जो है अध्यारोप अपवादाभ्याम इस प्रपंच में प्रपंचते, अध्यारोप करेंगे पहले, आप कहां आकाश संभूता आकाश अथवा युवा युवती अग्निरा मध्य प्रदेश इत्यादि। तो यहां जो आप लोग पौराणिक पद्धति से जो सुनते हैं वो ये अलग है, वहां पर जैसे कश्यप प्रजापति है, कश्यप प्रजापति है, उस प्रकार जो बोलते हैं, तो यहां पर एक नया शब्द जो पहले से सुन चुके हैं उनके लिए नया नहीं है, किंतु यहाँ पर बात आती है प्रजापति कौन है और उनका अन्न क्या है, साकार कौन है, ये सब विचित्र ढंग से यहाँ पर बताया गया, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये इन्होंने ये पूछा कि भगवान अहम सौर्याणी, पहले जो है कबंधी कात्यायन के एक प्रश्न पूछा, क्या पूछा, अथ कबंधी कात्यायन के कृप प्रच्छ भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति तस्मै सर्ववाद प्रजा भूमो प्रजा कामो वै प्रजापति सदवो तप्यता सदपस्तत्वा समितु मिथुनम उत्पादयते प्रायुच प्राणं चित्येतो मे बहुधा प्रजा कर्षति। ये बहुत प्रजा की उत्पत्ति के लिए इन्होंने तर्क किया। तर्क कौन सा तर्क, तपस्या के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इन्होंने तपस्या कौन सा तपस्या, ये जो पूर्वजन्म का जो इस सृष्टि का जो मानसिक संकल्प है, हर समस्त जीव जितने भी जीव हैं समस्त जीवों का जो समष्टि संकल्प का जो फलभूत है उसका स्मरण है, उस स्मरण करके तदनुसार दाता यथा पूर्व कल्पयत, उस प्रकार की सृष्टि करने के निमित्त से उन्होंने कह दिया मिथुन की उत्पन्न, मिथुन की उत्पत्ति, मिथुन मिथुन माने जोड़ा, वो जोड़ा कौन है, एक तो रई है, रई, और दूसरा है प्राण। रई माने क्या है, रई तो रई माने एक अर्थ में अन्न होता है, जिसके पास रई है, हिंदी में बोलते हैं रईस, रईस है, रईस ये तो चावल हो जाएगा, रईस जिसके पास ऐश्वर्य होगा वो क्या होगा, रईस, रईस। तो ये जो वो अंग्रेज शब्द होगा, तो कभी कभी क्या होता है, ये हम लोग अभी गुजरात में बैठे ना, गुजरात में बैठे, तो क्योंकि मैं कई राष्ट्रों में प्रवेश करता हूँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि एक शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ गुजराती में क्या बोलते हैं, पोतानु बोलते हैं, तो तेलुगु में आंध्र भाषा में क्या होता है मालूम है, पोतानु माने जाता हूँ, पोतानु माने जाता हूँ। तो
ये एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए यहां पर रई शब्द का अर्थ समझना चाहिए चंद्रमा। रई माने अन्न, और यहाँ प्राण है, प्राण शब्द, प्राण शब्द का अर्थ समझना चाहिए आदित्य। और जाएंगे इसमें इस प्रकार, अत्ता अत्ता है आदित्य, अन्न है चंद्रमा, इस रूप से समझना है। तो ये दोनों जोड़े की उत्पत्ति होने, तो इससे प्रजा बढ़ेगी, संगति बढ़ेगी, इस प्रकार उत्पन्नगे तुरई च प्राण च इत्येतौ, ये दोनों अब प्रजा को बढ़ाएंगे, प्रजा को बढ़ाने की इच्छा आएगी। इसलिए तो सनक सनंदनादियों की जब सृष्टि हुई उन्होंने कहा हम प्रजा बढ़ाएंगे नहीं, किंतु यहाँ पर कि प्रजा बढ़ाने की इच्छा है से इनकी सृष्टि हुई, तो इन्होंने क्या किया, आदित्य हो ये प्राणो रही देव चंद्रमा रही वाय तो सर्वों में मूर्त पंचामूर्त तस्मान मूर्त तिरे रही, मूर्त और अमूर्त, यहाँ मूर्त शब्द से कह लेना है कि अन्न को लेना है, अन्न माने चंद्रमा, तो यहाँ पर मूर्त माने क्रियावत्तम क्रियावत द्रव्य, ये जो न्याय शास्त्र के अनुसार की अलग व्याख्या होती है, न्याय सर्वमूर्त द्रव्य द्रव्य संयोगित्व के मूर्त तत्व, ये मूर्त जो महाभूत है अमूर्त महाभूत है वो अलग अलग माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अन्न बनने योग्य जो है ये मूर्त बताया गया, और अत्ता जो आदित्य है ये अमूर्त बताया गया, सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने के कारण। तो ये बहुधा प्रजा कर्षित थे आदित्य हो रहे प्राण हो रहे चंद्रमा रही वाय सर्व में मूर्त जानूर्त जलस्पान मूर्त हो रही, आदित्य उदयन ये प्राचीन दिशम प्रसिद्धि तेना प्राचा प्राणाश्न संधि दत्ते के दक्षिणा के हृदय है प्रतिचिन के हृदय चिन के अधो यदो त्वम अंतरा दिशो के सर्वम प्रकाशति तेना सर्वान प्राणाश्न संधि दत्ते। आदित्य जो प्राण है आदित्य है वो जब उदित होते हैं, माने उदित होना मतलब क्या है कि जब हम दृष्टि पथ में आते हैं, सूर्योदय माने क्या है, जैसे सूर्योदय का यहाँ पर जो समय होगा अब वो चीन में या नेपाल में या अमेरिका में वही समय नहीं होगा सूर्योदय का, सूर्योदय का समय बदलता रहता है, क्यों, सूर्योदय मतलब है जो दृष्टिपथ, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो दृष्टिपथ में आवे वही सूर्योदय है उस स्थान का, इसलिए स्थान बदलते जाए तो उसके अनुसार समय भी बदल जाता है। उसी प्रकार जो ये जो तिथि है, तिथि जो तिथि भी किसके अनुसार होती है कि चंद्रमा की गति के अनुसार होती है, चंद्रमा की गति, तो जहां पर चंद्रमा धीरे धीरे एक एक कला बढ़ाते हैं उनकी कला बढ़ती है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, इस शुक्ल पक्ष को बोलते हैं प्राण, और कृष्ण पक्ष बोलते हैं रई, ये दोनों में उसी प्रकार दिन को बोलते हैं दिन, दिन को बोलते हैं प्राण और रात्रि को बोलते हैं रई, इस प्रकार विभाग किया, माने मिथुनों की मिथुन का संपादन करना है, जोड़े का संपादन करना है, इसलिए एक दिन में दो विभाग है कि नहीं, एक दिन में दो विभाग है, दिन है रात है। उसी प्रकार एक संवत्सर है प्रजापति संवत्सर को माने, तो संवत्सर प्रजापति की जोड़ा कौन है, एक उत्तरायण है एक दक्षिणायन है, तो ये उत्तरायण क्या है वो आदित्य, उत्तरायण है आदित्य, उत्तरायण प्राण है, और जो दक्षिणायन है तो दक्षिणायन मार्ग बोलिए या मार्ग से उपलक्षित क्या है, मार्ग से उपलक्षित फिर पितृलोक है वो स्वर्गलोक है, थोड़ा समझ में, जो सुन चुके हैं उनके लिए सरलता है, जो पहली बार सुनते हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनना पड़ेगा, जैसे भगवत गीता में भी उत्तरायण दक्षिणायन की बात आती है, तो यहाँ पर उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, ये प्रजापति के दोनों के जोड़े जोड़े सृष्टि बढ़ाने के लिए, इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन एक जोड़ा, और उत्तरायण में क्या दक्षिणायन में छह महीने होते हैं, और उसी प्रकार ये साल में 12 राशि होती, 12 राशि, और इन 12 राशियों के भी ये अंक के रूप में लेते हैं यहाँ पर 12 राशि अंक,
और ये आदित्य के जो पंच पाल है, पांच पाल, तो इन पांच पाल जो ऋतु है, ऋतु इन छह ऋतुओं को मिला करके पंचपादम आदित्य की स्तुति में बताते हैं। तो ऋतु छह है तो पांच कैसे हो गए? वहां पर भगवान भाष्कर बोलते हैं हेमंत शिशिर एकेतृत्य, हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु को एक बना करके वहां पर पांच संख्या संपन्न होती है। इस प्रकार संवत्सर में ये जो भाग है, ये जो काल को यदि हम प्रजापति माने, काल उस काल में जो अंश है, अंग है, तो उस काल में जो एक साल है, वो साल को एक वर्ष है, उसको प्रजापति माने, उसके आधा भाग माने उत्तरायण दक्षिणायन यदि जोड़ा है, उसी प्रकार एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक जोड़ा है, उसी प्रकार एक दिन में क्या हुआ, एक दिन है एक रात है, ये भी एक जोड़ा है। इस प्रकार अत्यंत सूक्ष्म काल तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रजापति है, कालरूप प्रजापति है, ये सृष्टि का विस्तार करते हुए वहां चले जाते। तो सो तो अतः उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य, तो ये जो आदित्य की स्तुति करते करते ये आदित्य भगवान जब उदय होता है तब समस्त प्राणी अपने अपने काम में लगते हैं, इसलिए समस्त जीवों की सृष्टि के लिए भेदभूत सूर्य किरण और सूर्य किरणों में जो सप्तलीना है, सात प्रकार के जो किरणें हैं उनको भी यहाँ पर बताया गया। विश्व रूपम हरिणम जातदेव संपरायणम ज्योतिरेकं दपंतं सहस्र रश्मिः शतधा उत्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयद्येष सूर्यः, समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप है सूर्य भगवान। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति लौकिक अभिवृद्धि चाहता है, जो पारलौकिक अभिवृद्धि चाहता है, वो जरूर सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में ये जो अति मुख्य समय बताया गया सुबह प्रातः काल ब्राह्मी मुहूर्त में 3 बजे से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए और जब ध्यान करें और जो भी अपना जो साधना है, भजन है, भोजन है, वो करें, और लौकिक व्यक्ति भी अपने अपना जो भी कार्य है, सूक्ष्म कार्य है, वो कर सकते हैं। इसीलिए समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप है संवत् सर्वाय प्रजापतिस्तस्याय दक्षिणं तोत्रंत, ये इसकी बात इसके बारे में हमने बता दिया। इस प्रकार जो तरिष्ठा होते कदमित्य पास देते चांद नमस्मे वलोकम अभिजयन्ते, तो दक्षिणा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले कौन है? तो कहते हैं कि यदि आपके पास जो संपत्ति है उसके अनुसार आप यदि सज्जन है उसका सदुपयोग करेंगे। तो शास्त्र कहता है वापी को पता कर, यदि कहीं जो है तालाब खुदवाइए और कोई कुआं खुदवाइए, कोई तो मंदिर बनवाइए और कोई आश्रम बनवाइए और गुरुकुल चलाइए, विद्यादान दीजिए, अनुदान दीजिए, ये बगीचा लगाइए और इत्यादि जो स्मार्ट यज्ञ है, श्रौत यज्ञ है इत्यादि करिए। तो ये जो यज्ञ है, ये जो कार्य है, इष्ट पोत इत्यादि और बहिर्वेदी दान, अंतर्वेदी दान, इस प्रकार के दान का भी विधान है। ये जो कर्म है, ये जो कर्मकांड कथित जो कर्म करते हैं और स्मार्त माने स्मृति प्रतिपादित जो कर्म करते हैं, वो लोग कहाँ तक जाएंगे? कहते हैं चंद्रलोक पर्यंत जाएंगे, चंद्रलोक पर्यंत जाएंगे। तो वहां पर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, दक्षिणायन मार्ग से जो जाते हैं वो जब तक पुण्य है तब तक उसका जो फल सुख भोगेंगे फिर आ जाएंगे। तो ये दक्षिणायन मार्ग से जो इष्टापुत्र दत्त इत्यादि कर्म करने वालों की गति बताई गई है, उनकी गति पितृलोक पर्यंत है। वो पितृलोक कौन है? स्वर्गलोक है। वो स्वर्गलोक क्या है? वो चंद्रमा है, चंद्रलोक है। इस प्रकार के हमको अभिन्न करके बताया गया। और जो तपस्या करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक उस तत्व के बारे में प्रजापति उपासना के बारे में जानते हैं, तो कहते हैं तत्के हवे तये पुनरावर्तन्ते। तो ये जो दक्षिणायन मार्ग से जो जाते हैं वो फिर आते हैं, किंतु जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं अथोत्तरेण तपस
तपसा ब्रह्मचर्येण शुद्धया विद्यात्मानं निष्ठादित्यभियन्त एतद्वै प्राणायामेतत् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते। सिर्फ कर्म करने वाले प्रतिफलापेक्षा से कर्म करने वाले वो शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर जन्म प्राप्त करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। किंतु जो तपस्या करते हैं वो वापस नहीं आते। तपस्या के माध्यम से ब्रह्मचर्य की महिमा है। ब्रह्मचर्य पालन जो करते हैं श्रद्धया विद्या काम जान करके जो करते हैं वो आदित्य लोक को प्राप्त करते हैं। तत्वय प्राणायाम समस्त प्राणों का आयतन है, आयतन माने स्थान है, तो वो उस वहां पर ये पहुंच जाते हैं। तदमृतम एतत् परायणम यतस्मा न पुनरावर्तन्ते, फिर दोबारा नहीं आएंगे इस लोक में, माता के गर्भ में। ये गर्भोपनिषद है, गर्भोपनिषद में ये बात आती है। जब गर्भ में जीव बहुत प्रार्थना करता है, यदि हम यहाँ पर उच्चे ब्रह्मचे हम तत्प्रपद्य महेश्वरम असुरक्षा कर्तारम, ये बहुत प्रतिज्ञा करते हुए इतना होता है कि हे भगवान मुझे जल्दी से जल्दी मां के गर्भ से बाहर कर दीजिए, मैं बाहर आ रहा कि सिर्फ आपके आपके ही भजन करूंगा, आपकी उपासना करूंगा। तो ये सब करता है, फिर बाहर आने के बाद सब भूल जाता है। ये बाहर के जो लोग है ना, इन लोगों के जो हाथ में कितने प्रकार के संस्कार लगे रहते हैं, हाथों से वो पानी छिड़कते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, हाँ ठंडा पानी छिड़कते होंगे, तो वो पानी के साथ वो संस्कार आ जाते हैं, सब ज्ञान भूल जाते हैं, सब का और रक्षा करो रक्षा करो भगवान, फिर मैं ये माया जगत में गिर गया, आप भी मेरे रक्षक हैं, इस प्रकार फिर सब भूल जाता है। तो भगवान भाष्कर जैसे कहते हैं कि बालस्तावत पीड़ा सकता है, तरुणस्तावत तरुण ही रखता, तो दस्तावत चिंता अपना परमे ब्रह्मी को रखता। इस प्रकार जीवन को बर्बाद कर देता है जो अज्ञानी है, अविवेकी है। तो ऐसे अविवेकी अज्ञानी किसी कारण से समय को बर्बाद करें तो भी गुरु महाराज की कृपा हो, इस प्रकार का जो कार्य है ये ब्रह्म ये जो उपनिषद प्रवचन सुनने के लिए आ जाएंगे, इसलिए गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ संभव हो जाएगा, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए ये जो सूर्य भगवान के बारे में बताया, तो समस्त प्राणियों का प्राण स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, इनके उदय काल में सोना नहीं चाहिए, उठना चाहिए, थोड़ा जितना हो सके भक्ति भाव से जब ध्यान कर लेना चाहिए। तो बाकी मां सर्वाय प्रजापति तस्या कृष्णवर्णय कृष्ण पक्ष केवल ही शुक्ल प्राण तस्मादेते ऋषय सो प्रेष्टिम कुर्वन्ति तस्मिन् अहो रात्रवे प्रजापति हरे प्राण दिन जो है आदित्य स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, इसलिए पति पत्नी को ग्राम्य कर्म नहीं करना चाहिए। जो करता है वो अपने प्राण को क्षय कर देता है, इसलिए और जो रात्रि पति पत्नी मिलते हैं वो ब्रह्मचारी है, मतलब गृहस्थ ब्रह्मचारी का पालन करने वाले होते हैं। अन्नम वै प्रजापतिस्तस्य तदेतस्तस्मादिना प्रजायन्ते। तो ये जो क्रम से आते 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 ये प्राण जो है आदित्य रूप में, संवत्सर रूप में, कृष्ण पक्ष रूप में, शुक्ल पक्ष रूप में, इस प्रकार आते आते अंत में ये अन्न रूप को प्राप्त कर लेता है। ये अन्न फिर पुरुष और स्त्री दोनों पाने के बाद वो शुक्र शोणित के रूप में बदल जाते हैं, तो वहां से फिर ये संगति बढ़ जाती है। इस प्रकार ये जो पवनदी कात्यायन ने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर ये गुरु महाराज जी तो मैं पिप्पलाद महर्षि ने दिया। तत्तेवै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति एवं कुविधनमुत्पादयन्ते। इस प्रकार प्रजापति व्रत को जो इसका पालन करता है वो गृहस्थ वो जरूर पहले उनकी संतति पहले लड़का होगा, दूसरी बेटी होगी, बेटा बेटी होगी, और ये दृष्ट फल है, दृष्ट फल। तत् प्रजापति व्रतं चरन्ति ये मिथुन उत्पादयन्ते तेषामेव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्।
और जिनके अंदर जिह्वा कुटिलता नहीं है वो व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। अनृत नहीं है वही व्यक्ति प्राप्त करेगा। भगवान भाष्कर इस विषय में बोलते हैं जो ब्रह्मचारी है वानप्रस्थी है सन्यासी है तो उनके लिए कोई कारण न होने के कारण उनमें माया नहीं होती है। इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और भिक्षु यही लोग ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, वो पुनरावृत्ति रहित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं भगवान भाष्कर का कथन है। इसलिए निमित्त नहीं है गृहस्थी व्यक्ति जाने अनजाने झूठ बोलना पड़ते तो कहते हैं कि घर में पिताजी ने कहा है कि बेटा उनको बता दो कि पिताजी नहीं है तू तो छोटे बच्चे क्या जाने तो गया जो आया पिताजी के लिए हाँ तो कहते मेरे पिताजी बोल रहे हैं घर में पिताजी नहीं तो सीधा बोल दिया बच्चा आप वो समझ गया। तो इस प्रकार जाने अनजाने झूठ बोलना ही पड़ता है। तो भगवान भाष्कर उसमें अपने भाष्य में बताते हैं किंतु ब्रह्मचारी के लिए सन्यासी के लिए क्या कारण क्या निमित्त क्या है क्या प्राप्तव्य है सब कुछ अपने पास है आत्मस्वरूप है। तो ओंकारेश्वर महाराज जी बोलते थे तो पहले हमको अच्छा नहीं लगता था कोई दुष्शकन शकन बोलते हैं सुकून बोलते अच्छे सुकून बुरे सुकून कोई ऐसे दुस्वप्न आया तो महाराज जी बोलते थे कि यदि कोई ऐसे कुछ आया सामने जो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए यात्रा करने जाते समय सामने इस प्रकार का नहीं दिखाई पड़ना चाहिए ऐसे दिखाई पड़े पहले तो कुछ अंदर से क्या होगा क्या हुआ इस प्रकार थोड़ा सा होता था। तो ओंकारेश्वर पूज्यपाद ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी नाम ग्रहण नहीं करना चाहिए फिर भी स्पष्टता के लिए बोल रहा हूँ वो बोल रहे हैं कि यदि इस प्रकार सामने आ गया तो क्या हुआ संसार छूटेगा संसार छूटेगा। इतना सुंदर चिंतन देखिए ये वैराग्य को बढ़ाने वाला चिंतन है। यदि कोई आया तो संसार छूट जाए और क्या और जो व्यक्ति वैराग्य से साधु बना है उस व्यक्ति के दृष्टि से कोई दुष्ट दिन दुर्दिन नहीं हो सकता कोई भी दुष्शकन नहीं हो सकता जो वैराग्य से आया है इसको समझना चाहिए जीवन में उतारना चाहिए। तो कहते हैं कि कुटिलता इसको छोड़ करके ये जो वैराग्यवान है जो ब्रह्म चिंतन करने के लिए आया है उस व्यक्ति को समझना चाहिए ये सब तो है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य क्या है उत्तम सत्य गौड़पाद कार्य में बताते हैं ना ये तो उत्तम सत्यम ये कोई ना जीव उत्पन्न होता है ना प्रपंच उत्पन्न होता है ना कुछ उत्पन्न होता है ये अजातवाद है अजातवाद ये उत्तम सत्यम एक आत्मा ही सत्य है ब्रह्म है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए जरूरी है अपने अंदर योग्यता को प्राप्त करें और श्रद्धा बढ़ावे। ब्रह्मलोको न एष जीवम अमृतम न माया चेति इस प्रकार प्रथम प्रश्न संपन्न होता है। अध्ययनं भागो वैदर्भी पपच्छ अब दूसरे ऋषि आते हैं वही वैदर्भ विदर्भ देश में रहने वाले ये आते हैं तो ये क्या है कि भृगु गोत्र में उत्पन्न विदर्भ देश में रहने वाले ऋषि आकर के क्या पूछते हैं भगवान कत्यम देवा प्रजा विधारयन्ति कतरेत प्रकाशन्ति कत्परेषां वरिष्ठित हाँ कत्परेषां वरिष्ठ हे भगवान गुरुजी ये जो प्रजा यहाँ प्रजा का अर्थ है इस शरीर शरीर एक एक शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रजा का अर्थ है शरीर उसी प्रकार इस शरीर का और एक नाम बताया बाण बाण अवस्तभ्या बाण माने जैसे राम जी का बाण बोलते ना वो बाण यहाँ पर बाण माने शरीर। तो इस प्रकार तत्व प्रकरण के अनुसार श्रुति लिंगा स्थान प्रकरण समाख्यान भागवत वर्यम अति प्रकर्षात एक नियम है। तो उस प्रकार सबसे परम प्रमाण है श्रुति
तो उससे पहले हम लोगों को ये जो पुराण सुनते हैं तो वो व्यर्थ नहीं है, तो श्रुति वाक्य को स्पष्टतया जानने के लिए ये चाहिए। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम उपपन्नमये, इतिहास पुराण पढ़ना चाहिए, उनके माध्यम से वेद वाक्य का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करें, तभी संदेह मिट जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि वेद माने संहिता ही वेद है, किंतु भगवान भाष्कर बोलते हैं वेदो नमा, वेद माने क्या है, तो मंत्र ब्राह्मण ही होते हैं, वेद माने केवल मंत्र नहीं, मंत्र ब्राह्मण दोनों को मिला करके वेद। और इसमें भी चार भेद, चार भेद, चार विभाग मानते हैं, एक तो संहिता भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग, और तीसरा है आरण्यक, और चौथा है उपनिषद भाग, और मुख्य रूप से दो। तो इसमें अथर्ववेदी ब्राह्मण भाग ये उपनिषद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो प्रजा है, इस शरीर की धारणा कौन करते हैं, कहते हैं तो ये जो धारणा, इस शरीर की धारणा कौन करते हैं, कहते हैं ये तो प्राण, ये जो पंच भूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, ये मन, ये सब धारणा, ये सब इस शरीर की रक्षा करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक स्थान में कई लोग रहते हैं, कोई कार्यक्रम संपन्न होते हैं तो हर व्यक्ति में अभिमान हो जाता है कि मेरे कारण से ही मैं ही इतना आकर्षण कर रहा हूं, तभी ये संपन्न हो रहा है कार्य। तो इस प्रकार इस शरीर के अंदर रहने वाले ये जो प्राण है, इनसे हमें भी अभिमान हो रहा है, मेरे कारण से ही तुम ये काम कर सकते हो, ये इस प्रकार ये कार्य संपन्न कर पा रहे हो, नाम कमा पा रहे हो, तो अभिमान हो गया। ये प्राणों की कहानी है, तो अन्य भी ये कहानी आती है। तो इसमें जो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण ने कहा ऐसे क्यों आपस में विवाद करते हो, तो सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। अभिमान तो हर व्यक्ति को होता है, वो तो नहीं होता है, अभिमान चींटी को भी होता है, चींटी, आ चींटी को ऐसे अंगुली से करो तो उसको भी होता है अभिमान, हाँ मुझे ऐसे रास्ते से जो है हटाते हो तो अभिमान होता है, किंतु अभिमान के अनुकूल अपने अंदर सामर्थ्य है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, ये कब मान पड़ेगा। तो कहते हैं कि राम राम रटते रहो, राम राम रटता है, किंतु कौन, तोता, जब बिल्ली आवे, बिल्ली आवे तो गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा निरंतर जागृत काल में, स्वप्न काल में हमेशा वो चिंतन चलता रहे, वही व्यक्ति धन्य होगा। बिल्ली आवे, कुछ भी आवे, तो तुरंत कुछ ना कुछ भगवान नाम निकलना चाहिए मुंह से, राम राम, शिव शिव, ये जय श्री कृष्ण, ऐसे निकलना चाहिए। तो उस प्रकार ये नहीं कि ब्रह्म ब्रह्म बोले, और जब मालूम हो कृष्ण परिस्थिति में कष्ट काल में यदि कोई ऐसे आवे तो मैं तो मर गया, सब कुछ कष्ट मेरे ही घर में आ गए, सब दुख मेरे में आ गए, इस प्रकार होने वाला और क्या समझता है कि मैं शरीर हूं। जितने भी सुना, जितने पढ़ा, पढ़ाया, किंतु क्या मन में निश्चय कर रखा है, मैं घोड़ा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये देहाभिमान है, ये देहाभिमान से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है। देहाभिमान पाशेना चिरम बद्धोसि पुत्र का बोलो ज्ञान कर खटके ना तन निकृत्य सुखी हो, सुख किसको नहीं चाहिए, सब सुख चाहते, तो इस सुख यदि चाहते वास्तव में तो ज्ञान रूपी खट को खड्ग का धारण करके ये देहाभिमान रूप पाश का खंडन करना चाहिए, तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। ये देहाभिमान किसके लिए, मोक्ष के लिए ही महामृत्यु है, मोह एव महामृत्यु, मोक्ष बहुराधिशु, बहु मान शरीर आदि में जो अभिमान है यही महामृत्यु है, इसलिए इस मृत्यु से रक्षा पाना हो तो जरूर ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान रूपी खड्ग से उस देहाभिमान रूप पाश को खंडन करके हम लोग धन्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्राणों में आपस में विवाद हुआ, ये जो मुख्य प्राण उठने के लिए तैयार हुआ, उठाने शरीर से उठने के लिए तैयार हुआ, इतने में ये सब प्राण जितने भी इंद्रियां हैं
सब भीड़े बढ़ गए। जब जैसे ये तो बत्ती है, ये जो पंखा चालू किए, ये तो माइक चालू किए, तो एक बार बिजली गुल हो जाए क्या हो जाएगा? ना हवा है, ना प्रकाश है, ना वाणी, ये जो शब्द तरंग भी आप तक नहीं पहुंचे। तो ये सब के लिए मूल क्या है कि जैसे बिजली है, करंट है, उसी प्रकार का मुख्य प्राण है। ये मुख्य प्राण इस सब को शक्ति देता है। इसलिए कहा ये जब इसकी महिमा जान लिए सब इसकी स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार द्वितीय प्रश्न में ये बात आई उत्पत्तिमाय दुस्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायान्तम स्मृते। जब किसी व्यक्ति के बारे में उनकी महिमा के बारे में जानते हैं सब उनको प्रणाम करते हैं। तो मोगलेश्वर महाराज बोलते थे चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। जब तक चमत्कार मालूम हो तो नमस्कार नहीं होता है। तो कहते हैं जब प्राण की महिमा मालूम हो गई तब सब इंद्रियां सब जितने भी हैं वो सब बलि आहार के उपहार देने लगे। जो भी जिस इंद्रिय के लिए जो भी अवसर है, जो भी भोग है, वो सब उस मुख्य प्राण को समर्पित करने लगे। इस प्रकार इस प्राण की उत्पत्ति और स्थिति अल्लाह को तो जानता है। वही व्यक्ति तो जैसे
अब कोई टीचर कोई पाठ लेसन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे जेब में 100 रुपए है। मान हाँ ठीक है गुरु जी, तो 50 रुपए में आप एक पुस्तक खरीदिए, कितने रुपए बचे? 50 रुपए। अब 50 रुपए में 25 रुपए दे करके आप एक जो है कोई और चॉकलेट खरीद लिया समझ लीजिए, तो कितने रुपए बचे? 25 रुपए। तो 25 रुपए लाओ, 25 रुपए लाओ, तो बच्चा क्या बोलेगा? मेरे पास नहीं है। बोले तो ये जो नहीं है तू पहले भी नहीं था, तो गुरु जी बोल रहे थे 100 रुपए आपके जेब में है समझ लो, तो मान लिया बच्चा। अब उसके बाद 50 रुपए खर्च कर ले तो बचे कितने? 50 रुपए, तो वो भी मान लिया बच्चा, क्योंकि गुरु जी है, गुरु जी में श्रद्धा है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता। वस्तु तत्व को जानना है तो गुरुजनों में और शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने मान लिया। टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, तो मान लिया, इसलिए 50 रुपए है मेरे पास, उस समय 50 रुपए थे जब में नहीं है। तो बेटा बोल रहा है सही बोल रहा है नहीं? अब गुरु जी सही बोल रहे हैं नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे असत्य बोलेंगे, बहुत मुश्किल है। सत्य भी नहीं बोल सकते, असत्य भी नहीं बोल सकते, इसलिए मिथ्या माने नहीं है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या माने जैसा है वैसा, जैसा है वैसा है, जैसा है तो अतस्मिष्ट बुद्धि रित्यवोचन अतस्मिष्ट बुद्धि। इसलिए अद्वैत सिद्धि में बताते हैं कि एक एक हेतु देकर के इस प्रकार के हेतु देते हैं, तो इस कारण से इस कारण से इस कारण से ये मिथ्या है, ये नित्य नहीं है जगत प्रपंच। इसलिए इसको समझने के लिए समझाने के लिए एक कुछ दृष्टांत दिया जाता है। श्रुति भगवती हजारों माताओं के समान कई प्रकार दृष्टांत दे करके, जैसे वो जो अध्यापक वो जो टीचर ने वो बच्चे को जैसे पढ़ाया, तुम्हारे जेब में हजम पना 100 रुपए है, उसमें 50 रुपए खर्च कर लिए तो कितने रुपए बचे? कितने बचे? कितने हम लोग यहाँ बचे? उसी प्रकार तो उस प्रकार उसमें 25 रुपए खर्च कर दिए तो कितने बचे? ये 100 रुपए पहले से ही नहीं था, पहले से नहीं था, तो बाद में भी जो 50 रुपए बचे वो भी नहीं, और उसके बाद में 25 रुपए बचे थे वो भी नहीं, पहले भी 100 रुपए जेब में नहीं थे, अब भी जब गुरु जी ने कहा कि लाओ 25 रुपए तुम साहब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बोलेगा, तो यही वास्तविक सत्य है। ललिता शास्त्र में भी बात आती है, मिथ्या जगत अधिष्ठान, मिथ्या जगत का अधिष्ठान स्वरूप है, चाहे आप माता जी का भक्त हो या इस प्रकार सच्चित आनंद स्वरूप सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इस प्रकार के जानते हो, जानते हो तो अधिष्ठान स्वरूप है आपका निज स्वरूप। इस स्वरूप को जानने के लिए ही हम लोगों को ये जो अनेक जन्म में किया हुआ पुण्य का फल स्वरूप ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है, तभी इसका सदुपयोग होगा। इसलिए भगवान की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हम लोग ये जो भाष्य पारायण का और उस निमित्त से ये जो प्रवचन का ये सदवकाश प्राप्त हुआ, ये श्रवण करने के लिए और कराने के लिए भी पुण्य चाहिए, ये भगवान की कृपा होगी और यहाँ के संतों की कृपा होगी, ये यहाँ पर विराजमान है इनके माध्यम से भी और यहाँ की भक्त मंडली है उनके माध्यम से भी ये वाणी गुरुजनों के माध्यम से जो भी प्राप्त हुई, ये आपको सेवा स्वरूप ये समर्पित करते हुए ये तीसरा प्रश्न यथासंभव संग्रह से आपको सुनाने के लिए प्रयत्न किया गया। तो इस प्रकार इस जन्म में जैसे जन्म की बात फिर आ गई क्योंकि ये तो व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता तो पारमार्थिक सत्ता के अनुसार देखा जाए ना निरोध हो न चोत्पत्ति, किंतु व्यवहार
तो व्यवहार में तो इसको मानना है, तो मानते हुए भी वो पूजा भी करते हैं, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, मैं अलग हूँ भगवान अलग, इस प्रकार नहीं समझना चाहिए। शिवो हम शिवो हम शिवो हम इस दृष्टि से जो पूजा करे वो वास्तविक पूजा होती है। इसलिए सज्जनों भगवान की कृपा से इस प्रकार का जो अभिन्न आत्मस्वरूप को जानो वही अखंड आनंद स्वरूप है। यहाँ पर अखंड आनंद बोलते ना सच्चिदानंद भगवान की जय, इसलिए हम लोग सब अखंड आनंद स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है सच्चिदानंद स्वरूप है। इस तत्व को जानने के लिए ही ऋषि मुनियों की ये प्रश्न और प्रतिवचन के रूप में ये हजारों माताओं से पढ़ करके श्रुति भगवती हम लोगों को बता रही है कि इस प्रकार हम लोग श्रवण करें। यदि श्रवण भी करें तो श्रुति वाक्य श्रुति वाक्य के माध्यम से श्रवण करें तब हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा, फिर माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इस वाणी को यही विराम देते हुए उस सच्चिदानंद परब्रह्म के देव चरणारविंद में समर्पित करते हुए ओम भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा भद्रं पश्येनाक्षभिः यत्र स्थिरैरङ्गैः सुष्टुवागुंसस्तनोभिर्दशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति।